इस क्लॉक को लगाने के आज आपको दो मेथड बताने वाले हैं। आप इसे अपने ब्लॉग में आसानी से लगा सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि इस कोड को आप अपने ब्लॉग में ऐड कैसे करेंगे। पहले मेथड में आपको इस तरह की ग्लोइंग क्लॉक मिलेगी एंड सेकंड में आप सिंपल क्लॉक इसी कोड के द्वारा लगा सकते हैं। तो दोनों क्लॉक आप अपने ब्लॉग में कैसे लगाएंगे उसके लिए वीडियो आप पूरा देखिए। इसमें एडिट करने के लिए कुछ नहीं है, बस केवल आपको कोड अपने ब्लॉग में ऐड कैसे करना है वो आप सही से देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लें जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। यहाँ आ जाना है आपको ब्लॉगर के डैशबोर्ड में। यहाँ आकर के आप सबसे पहले अपने टेम्पलेट का बैकअप ले लें, जिससे कोड की एडिंग के दौरान यदि आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आप अपने ब्लॉग को आसानी से रिस्टोर कर सकें। यहाँ से करते हैं इसे एडिट HTML। अब यहाँ आप कहीं पर भी टैप करके कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपका सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सर्च करना है क्लोज हेड, इंटर मारेंगे तो यहाँ पर आपको ये क्लोज हेड मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको दो स्पेस देना है। अब आपको जाना है कोड में जो आपने डाउनलोड करके रखा है, यहाँ आपको ये CSS मिल जाएगा। तो यहाँ आपको करना क्या है, ये आपको दिख रहा है डॉट ब्रेपर, इसके ऊपर आपको जो कोड दिख रहा है मार्जिन तक इतना आपको रिमूव करना है। आप देख लीजिए मैंने कोड को सिलेक्ट करके रखा है, इतना कोड आपको रिमूव करना है। इसे कर देते हैं रिमूव। रिमूव करने के बाद यहाँ से स्टार्ट CSS से और आपको एंड CSS तक, यहाँ पर आप देख रहे हैं CSS एंड, इतना आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे टेम्पलेट में और यहाँ पर आपको क्लोज हेड के ऊपर इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ आप देखेंगे ये आपका क्लोज हेड रेड हो गया है। ये रेड इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऐड करना है। यहाँ आप देख रहे हैं जब कोड हमारा स्टार्ट होता है CSS तो यहाँ पर ये ओपन स्टाइल है, और जब कोड हमारा एंड हो रहा है तो यहाँ पर भी ओपन स्टाइल है। तो यहाँ पर हम स्टाइल को करेंगे क्लोज। ये सिंबल लगाने के बाद स्टाइल क्लोज हो गई। यहाँ पर आप देखिए क्लोज हेड ग्रीन हो गया। अब यहाँ से इसे करते हैं सेव। सेव हो जाने के बाद चलते हैं ब्लॉग में और इसे करते हैं रीलोड। यहाँ पर देखते हैं CSS ऐड करने के बाद कोई चेंजिंग तो नहीं हुई है। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है, अभी आप देख सकते हैं जैसा ब्लॉग था नॉर्मल ब्लॉग है। अभी आप जाएंगे अपने टेम्पलेट में और यहाँ से आप जाएंगे बैक। यहाँ जाएंगे हम लेआउट में और इस क्लॉक को लगाने वाले हैं हम साइड बार में। तो यहाँ से करेंगे एड ए गैजेट, उसके बाद यहाँ से HTML JavaScript का कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे। अब जाएंगे अपने कोड में और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्लोज हेड है, क्लोज हेड के नीचे ओपन बॉडी है, इसके नीचे आपको मिल रहा है HTML एंड स्क्रिप्ट। क्लोज स्क्रिप्ट तक आपको इतना पूरा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे लेआउट में और यहाँ पर आपको कंटेंट में इसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसे करेंगे आप सेव। यहाँ से सेव करने के बाद आप यहाँ से सेव करना ना भूलें, यहाँ से सेव करेंगे। सेव हो जाने के बाद चलते हैं ब्लॉग में और इसे करते हैं रीलोड। यहाँ देखिए आप ये क्लॉक आ चुकी है। अब सेकंड मेथड क्या है उसके लिए चलते हैं ब्लॉगर के डैशबोर्ड में और यहाँ पर जाएंगे थीम में। थीम में जाने के बाद यहाँ से करेंगे आप एडिट HTML और आपने जो कोड यहाँ पर ऐड किया था CSS, उस CSS को आप फाइंड करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर कहीं पर भी टैप करके कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल F, सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टाइप करेंगे क्लोज हेड, इंटर मारेंगे, आपको ये CSS मिल जाएगी जो आपने ऐड की थी, और इस पूरी CSS को यहाँ से आप रिमूव कर देंगे। देखिए यहाँ से हम इसे रिमूव करते हैं, इतना सिलेक्ट कर लिया है मैंने। यहाँ से आप देख रहे हैं डिजिटल क्लॉक CSS स्टार्ट और यहाँ से एंड तक हमने इसे सिलेक्ट किया है, इसे कर देंगे रिमूव। रिमूव करने के बाद इसे कर देते हैं सेव। सेव हो जाने के बाद चलते हैं ब्लॉग में, इसे करते हैं रीलोड। यहाँ आप देखिए आपकी सिंपल क्लॉक यहाँ पर ऐड हो गई। यदि आप डिजिटल क्लॉक यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मली टेम्पलेट में जाकर के केवल CSS डिलीट कर देना है, और इतना कोड आपको HTML और स्क्रिप्ट आपको जहाँ पर भी ऐड करनी है, जहाँ पर आपको क्लॉक लगानी है वहाँ पर आप इतना HTML एंड स्क्रिप्ट ऐड कर देंगे तो आपकी नॉर्मल क्लॉक ऐड हो जाएगी। इस तरह से आप अपने ब्लॉग में डिजिटल क्लॉक ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें।
एंड बेल आइकन पर ऑल क्लिक जरूर कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।